इस वक्त मैं झीलों की नगरी उदयपुर में नहीं हूँ, मैं पहाड़ों के पर्यटन स्थल माउंट में नहीं हूँ, ये नागौर का जड़ा तालाब है। नमस्कार, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं हमसे हिंदुस्तान। दरअसल नागौर में 7 ऐसे तालाब हैं, लेकिन इन तालाबों से पानी ने साथ छोड़ दिया और बदहाली ने इनका दामन थाम लिया। आज नागौर की इसी जड़ा तालाब को लेकर एक कहानी हम आपको बताने आए हैं। कहानी दिलचस्प है, इसलिए आप बने रहिएगा। देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि एक पत्रकार की कल्पना में आज ये जड़ा तालाब किस तरह से यहाँ पर्यटकों का एक बड़ा पर्यटन स्थल बन गया इस नागौर में, हमारे साथ श्यामलाल जी हैं। श्यामलाल जी, जब आपने पहली बार ये कल्पना करी होगी तो मुझे तो यूँ लगता है जैसे वही बात हुई कि रेगिस्तान में पानी की कल्पना करना, कि आपके जहन में कैसे आया कि नागौर के इस जड़ा तालाब में बोटिंग होनी चाहिए? निखिल जी, मैं आपको बताऊँ, मैंने नागौर से पहले मैं पाली था, तो पाली में भी इससे थोड़ा बड़ा तालाब है जहाँ पे जवाई का पानी आता है, लाखोटी तालाब जो है उसमें एक उसके 3 भाग बना दिए बाद में प्रशासन ने। एक भाग में पीने का पानी भरते हैं और एक भाग जो है वो यूँ है जहाँ पूजा वूजा होती है। तो बहुत अच्छा तालाब था, चारों तरफ घाट बने हुए थे, हर समाज का घाट था, ये जो रेवाड़ियाँ निकलती वो रेवाड़ियाँ आती थी। तो वहाँ पे हमने काम शुरू किया और जब काम शुरू किया तो लोगों को हमें पता चला लोगों में मन में तो पीड़ा है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आगे कौन आए, उनका नेतृत्व करने चाहिए। तो वहाँ पे जब मैंने काम शुरू किया तो काफ़ी भामा साहब भी आ गए, प्रशासन ने भी सहयोग किया, नगर परिषद ने सहयोग किया और लास्ट में वहाँ पर बोटिंग हुई और तालाब का भी काफ़ी सौंदर्य बन गया। मैं आया तो नागौर में आपको मैं बताऊँ 7 तालाब है, नागौर शहर में 7 तालाब है और 7 की स्थिति ऐसी कि आप वहाँ जाके बैठो तो बदबू मारे सारे, क्योंकि सारा जो है सीवरेज उस टाइम तक यहाँ शुरू हुई नहीं थी, सारा पानी यहाँ कचरा लोग डाल देते थे। एक टाइम था यहाँ पे शिलालेख लगे हुए हैं जहाँ पे आपको मैं बताऊँ लोगों ने यहाँ वो जो ऊपर छतरी बनी हुई है उसमें राजा बैठते थे और यहाँ से पानी आ रही है जो पानी लेके जाती थी। तो लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा साहब बहुत ही हमारी इच्छा है लेकिन अब पीड़ा है, क्या करें, कोई आ नहीं रहा आगे। तो 14 मई 2015 को हमने यहाँ पहला श्रमदान कराया था और श्रमदान कराया तब ये जब घाट है ये नहीं थे, टूटे हुए थे, काफ़ी स्थिति ख़राब थी। अंदर घुसते थे तो यूँ हम जब श्रमदान करके वापस घर जाते थे तो हाथों से बदबू नहीं जाती थी, बहुत ख़राब स्थिति थी। लेकिन हमने हर संडे को यहाँ श्रमदान चालू रखा, गर्मियों का टाइम था, मई में पानी लगभग सूख चुका था, तो इधर से सफाई करते 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 हम उधर गए। हमारा मेन मोटो यही था कि यहाँ कम से कम नागौर को नौकायन का जो है सौगात मिले। लेकिन वही बात जो भी आपने बताया रेगिस्तान में पानी ढूंढने वाली बात है, लोगों ने उस चीज़ को तो मतलब प्रशासन के जब अधिकारियों के सामने हम जब ये बात करते थे तो वो एकदम सीरियस से खारिज करते थे, बोले यार यहाँ काम बोटिंग होगी कौन आएगा। लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, यहाँ अपन को कराना है और कंटिन्यू रखे। संयोग ऐसा हुआ कि उस टाइम तत्कालीन कलेक्टर राजन विशाल यहाँ नागौर में आए और उनके ये दिमाग में थोड़ा सेट हुआ कि यार ये अच्छा तालाब है, पास में अमर सिंह की छतरियाँ हैं, उधर पैनोरमा भी बन रहा था, एक प्राचीन बावड़ी है यहाँ पे पास में, तो उन्होंने इसका लेआउट प्लान बनवा दिया कि भाई ये इसका सौंदर्यकरण कैसा हुआ। जोधपुर से वो जो सर्वे करते हैं उनको बुलाया, उनका पेमेंट नगर परिषद से करवाया, काफ़ी कुछ काम शुरू हो गया। फिर मैं आपको बताऊँ वहाँ पर एक कैफेटेरिया बन रहा था, वो बना हुआ है छतरी टाइप, तो वो हमने किया। फिर एक नागौर के लोगों को जोड़ के एक समिति बनवाई, जड़ा तालाब विकास समिति के नाम से समिति बनाई उसमें। लेकिन एक पत्रकार होने के साथ साथ एक पूरी अपनी को मुहिम को आगे से आगे स्टेप बाई स्टेप बढ़ा लेना और साथ में अपनी पत्रकारिता को भी करना, ये दोनों के ही चैलेंज नहीं लग रहा था? हाँ, चैलेंज तो बहुत है। देखो, आप अगर एक्स्ट्रा कुछ भी काम करोगे तो आपको टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपकी नींद आपको कम करनी पड़ेगी, आपका काम आपको कैसे निकालना है, ये टाइम यहाँ से कैसे निकालना, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस राजस्थान पत्रिका के साथ आप जुड़े हैं, बरसों से उनका एक अमृतम जलम प्रोग्राम है, तो वो भी काफ़ी दिशा देने वाला। मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे राजस्थान पत्रिका का ये रहता है, हमारे से ऊपर से मुख्यालय से निर्देश भी आते रहते हैं कि भाई इस बार अमृतम जलम के तहत ये कराएँ, पौधरोपण कराएँ, तो हमने यहाँ पे जो घास वगैरह झाड़ियाँ वगैरह बबूल थी ना उसको हटवाया और पौधे भी लगवाए, पौधरोपण भी करवाया, ये अमृतम जलम के तहत हमने उसमें भी चला दिया। तो चलते चलते इसकी सफाई हुई और वो सब कुछ हुआ ना, तो आपको मैं बताऊँ 15 मई में हमने काम शुरू किया और 15 अक्टूबर में संयोग से
उस टाइम मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनका दौरा हुआ तो मैडम सामने सर्किट हाउस में थी, उनको कलेक साहब यहाँ पैनोरमा में लेके आए। तो मैंने कलेक साहब से कहा, कलेक साहब थोड़ा पॉजिटिव थे तो हमने कहा सर आप थोड़ा मैडम को लेके चलना आगे। तो मैडम उस छतरी में आई थी वापस, उनका यार बहुत अच्छा जगह है, ये तो हेरिटेज स्पॉट बनना चाहिए। तो कलेक साहब ने कहा हम वहाँ पे ये बना रहे, बोले नहीं 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 इसको तो पूरा हेरिटेज लुक ही देंगे। और उन्होंने उसको सारे को काम बंद करवा दिया और जाते ही जयपुर से जाते ही आते आते वहाँ से आर्किटेक्ट भेजे, उन लोगों ने दो दिन तक यहाँ सर्वे किया और शानदार डिज़ाइन तैयार करी। देखो परेशानियाँ बहुत आई, कई बार यूँ लगा यार ये होगा नहीं, लेकिन फिर पता नहीं एक उम्मीद ही कहीं से किरण है जो थी। तो बीच में क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट सारा तैयार हो गया, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना यहाँ का पूरा, अमृत सिटी में पैसे लेने की भी बातें होगी। तो आपके संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है। हाँ। मुझे लगता है कि हम बात करते करते थक भी जाएंगे अगर खड़े खड़े के। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहीं इस तालाब की किसी और अच्छी लोकेशन पर बैठते हैं। हाँ। फिर आगे की बात करते हैं। ये पूरी जो जड़ा तालाब की जो कहानी है कि कैसे तालाब जो था एक बदहाली से निकल कर आज यहाँ बोटिंग तक और इस जगमग रोशनी के बीच आया है, इस सारे सिलसिले में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो फिर मुझे लगता है कि जब आपने इस पूरे जो कल्पना आपने करी, फिर आपने जब किया, तो मुझे लगता है फिर राजस्थान पत्रिका की और आपने मिलकर इसको खबरों का एक अभियान भी बना दिया। बिल्कुल, हमने इस पर खूब खबरें छापी और इसकी ये जब काम शुरू किया तो यहाँ कुछ लोगों की जो भू माफिया वगैरह लोग जो थे उनकी आसपास के ज़मीन पर नज़र भी थी, वो जगह सेफ हो गई। सबसे बड़ी चीज़ ये सामने आप देख रहे हैं जो मैं जो आपको बता रहा था, वो जो प्रोजेक्ट बना 2.5 करोड़ का, लेकिन अमृत सिटी में पक्के काम का जो है सिविल वर्क है वो उसमें सेंक्शन नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने उस टाइम खूब प्रयास किए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम अमृत सिटी में सिर्फ सिटी पार्क बनाएंगे। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो घाट बने हुए हैं ये पत्थर के, ये पुरातत्व विभाग ने करवाए, इनका 1.25 करोड़ का बजट अलग से आया और वो 1.10 करोड़ रुपये का वो सिटी पार्क जो है वो हम बच्चों के जिम सब कुछ बनाया, लाइटिंग हुई है। फिर धीरे 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 हम कंटिन्यू इसको रखते थे कि भी जैसे तैसे करके, बीच बीच में जब ये सफाई हो गई तो हर साल वापस अमृतम जो जलम है उसके तहत में वापस श्रमदान कराते थे। और धीरे 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 ये जब इतना लुक आ गया, तब अभी जो वर्तमान में कलेक्टर है नागौर के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, वो जो है मेरे हुआ क्या एक्चुअली जो अधिकारी उस टाइम था उनका ट्रांसफ़र हो गया और उनके पास में वो आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन वगैरह बनवाए थे ना, नक्शे वगैरह जो बहुत अच्छे प्रिंट थे, वो मेरे को देखे गए कि यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, आप अगर इनको कहीं काम ले सको, तो वो मैंने उनके सामने पेश किया वापस। मैंने कहा साहब ये है जगह है, यहाँ आप बोटिंग करवा सकते हो, बाकी सारा काम हो गया। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अपन प्रयास करेंगे और उन्होंने उस चीज़ को एक मिशन के रूप में लिया और देख भी रहे हैं पीछे, बिल्कुल हाँ बोटिंग हो रही है। आप सामने देख रहे हैं ये जो अभी इस पानी पाली कम था, यहाँ पे ट्यूबवेल भी हुई है और ये सामने जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये पेंटिंग वगैरह हुई है। अब यहाँ पे एक नागौर आई लव नागौर का सेल्फी पॉइंट भी लगने वाला है, हाँ उधर मारो नागौर निरालो नागौर के नाम से नाम भी लिखा हुआ है। मतलब अब आप देख सकते हैं कि इतना सुकून, मैं देख रहा हूँ जब आप अपनी इस पूरी कहानी को बता रहे हैं तो आपके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट है, तो एक पत्रकार होने के नाते जब एक आपने एक मुहिम चलाई अपनी लगातार खबरों के बीच, आज शहर के 7 तालाब जो बदहाली में उनमें से अगर एक तालाब जहाँ बोटिंग हो रही है, लोगों के शाम को आने का एक पर्यटन स्थल सा बन गया है, जो दूसरे लोग आ रहे हैं बाहर से नागौर में वो इस तालाब को इसके सौंदर्य को जो रंग बिरंगी रोशनी देख रहे हैं, इस वक्त जो आप यहाँ बैठकर हमसे बात कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब इन्होंने उस टाइम चुनाव आचार संहिता लग गई थी नगर परिषद की 14 जनवरी को, जब मकर संक्रांति थी उस दिन उद्घाटन होना था, लेकिन फिर चुनाव की आचार संहिता के चलते इन्होंने ट्रायल रखा, उद्घाटन को कैंसिल करके ट्रायल रखा। तो मैं आया था, वो नाव जो है वो बीच में फंस गई थी, मैं वहीं पानी में जाकर उसमें फिर हम बैठे और उस टाइम जो आप कह रहे हैं वो उस टाइम यूँ लगा कि वास्तव में आज सपना पूरा हुआ है। मतलब एक अटैचमेंट बन गया था इससे कि भाई यार जड़ा तालाब को तो कम से कम जो अपने सपना देखा वो पूरा होना चाहिए। तो पहली बार यहाँ बोट आई होगी तो मुझे लगता है आप तो अपने आप को नहीं रोक पाए, आपने सबसे पहले बोटिंग। हाँ, बोटिंग तो पहले मैंने नहीं कर पाया क्योंकि इन्होंने थोड़ी जो अंदर काई वगैरह थी उसको साफ करने के लिए बोटिंग की, लेकिन फिर भी
ट्रायल से पहले मैं वोटिंग करने के लिए उतर गया। समझ सकता हूँ आपके चेहरे पे। तो फिर क्या लगता है कि अगर इस तरह की एक मुहिम है तो ये तो एक सेट एग्जांपल आपने कर दिया, तो फिर नागौर के उन 6 तालाबों की तरफ भी क्या नागौर की जनता को जोर। मैंने सुना है कि आपने करीबन 2000 लोगों का एक पूरा टीम बनाया और दानदाताओं से करीबन 25 लाख रुपए भी। हाँ, उस टाइम किस्सा है, उस टाइम क्या हुआ था, जब हम काम कर रहे थे तो पैसा था नहीं, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि यार एक सहभागिता वाली एक स्कीम है जिसमें कुछ पैसा अगर जनता दे तो कुछ पैसा सरकार देती है। तो मैंने जो समिति के मेंबर थे उनसे से बात की, वो मंडी के कुछ अध्यक्ष है, मतलब शहर के रेपुटेटेड लोग थे, उनको ही जोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए हम इकट्ठे कर लेंगे, और हमने कलेक्टर साहब को कह भी दिया कि साहब 25 लाख रुपये आप हमसे ले लो और बाकी का पैसा आप करो और ये काम शुरू करो। तो संयोग से फिर वो अमृतम जो अमृत मिशन की जो योजना ही, उसमें फिर उनको जरूरत पड़ी नहीं उनको पैसों की लाने की, लेकिन हमने प्रयास पूरा किया था, मतलब तैयार भी हो गए थे कि हम दे देंगे 25 लाख रुपए। तो अब जब नागौर की इसी तरह से उन पीछे जो 6 तालाब बचे हैं वो बेचारे कहते हैं कि हमने क्या नागौर का बिगाड़ा, कुछ हमारी भी नहीं। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, एक्चुअली 2015 में जब हमने इसको लिया तो मई में शुरू किया, दिसंबर तक इसकी सफाई पूरी हो गई थी, इसकी खुदाई भी काफ़ी करी, खुदाई भी क्या है एक दानदाता से करी, नगर परिषद का एक पैसा नहीं लगा। अच्छा, नागौर में इस तरह के जो तालाब हैं तो क्या ये कभी वाटर रिसोर्सेज रहे हैं लोगों के पीने? हाँ, सारे तालाब पीने के लिए यूज होते थे। आप जो कह रहे हैं 6 तालाब में 3 तालाब इसके अलावा हमने और लिए। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट साल जो 2015 में जब इसकी सफाई वगैरह सब हो गया तो हमने एक यहाँ पे बक्ता सागर के नाम से तालाब है, वो भी काफ़ी शहर के बीच में है, उसमें आज 11 फुट ऊंचा शिवलिंग है, वो पानी में गंदे पानी में डूब गया था, तो फिर हमने नेक्स्ट ईयर उसको लिया और उसकी सफाई करवाई, उसका पानी पूरा निकलवाया और वो आज वो शिवलिंग है जो बाहर है, उसके चारों तरफ एक दीवार बन गई है और शिवरात्रि को और कुछ लोग वहाँ पूजा करने भी जाते हैं और गणगौर के जो सवारियाँ जाती है वो सारी वहाँ जाती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। उसमें अब ये नौकायन के बाद में अब और उसका सौंदर्यकरण करने का है, उसकी जगह ज़्यादा है, वहाँ पे पार्क भी अच्छा बन गया है। फिर हमने एक और तालाब है प्रताप सागर है, उसका भी हमने जब 2016-17 में फिर हमने प्रताप सागर को लिया, उसमें भी सफाई करवाई। एक शहर के बाहर एक शक्कर तालाब है, हालांकि वो गंदा नहीं है लेकिन उसके भी हमने साफ़ सफाई करवाई। उसकी दिक्कत यह है कि वो पानी तो उसमें आज भी पीने वाला है लेकिन उसका पैंदा फूट गया, इसलिए पानी रहता नहीं है बारिश का। बाकी सफाई हमने वहाँ पे भी करवाई, पत्रिका के एक अभियान चला कर। और बाकी जो तालाब, हाँ एक तालाब और है गिनानी, उसका भी हमने लिया, ये कंटिन्यू हम चलाते थे हर साल। बड़ा काम कर रही है इसका, मतलब राजस्थान पत्रिका। हाँ, राजस्थान पत्रिका इस मामले बिल्कुल। और वैसे भी कहते हैं कि राजस्थान पत्रिका हिंदी पत्रकारिता के अंदर एक वो हस्ताक्षर है संजीदा पत्रकारिता का, कि चाहे वो फिर वो हरियाली की बात हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, तो आपको काफ़ी इस तरह की मुहिम चलाते रहते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आपका हर साल एक तालाब लेना हो रहा है तो आगामी 1-2 साल में जो बचे 2-3 तालाब हैं तो पूरे 7 तालाबों का एक नागौर एक बड़ा पर्यटन स्थल भी बनेगा। बिल्कुल, पर्यटन स्थल तो आप देख ही रहे हैं, ये एक अच्छा पर्यटन स्थल बन गया है। ऐसी जगह आपको नज़दीक नहीं मिलेगी जहाँ पे इतनी शानदार छतरियाँ हैं पास में। सुकून है, शांति है, बिल्कुल सुकून है, रंगीन फवारे भी लग रहे हैं, वॉल पेंटिंग्स भी हैं पीछे, बिल्कुल एक बिल्कुल ऐतिहासिक इमारत है। बीच इधर आपके जो है पार्क बना हुआ है, अगर आप बच्चों को लेके आ जाओ तो 2 घंटे तो आपके कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो नागौर में जब मैं यहाँ आया था तो हमने देखा था कि नागौर में अगर आपको कहीं जाना घूमने शाम को बच्चों के साथ, कहीं थोड़ी बहुत सैर करनी है, तो एक छोटा सा पार्क नगर परिषद का था और एक बार जो है MDH ने तैयार करवाया था पंचवटी, उसके अलावा यहाँ कोई जगह नहीं थी। तो मेरा ये भी दिमाग में था, मैंने कहा यार कुछ लोगों को ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे अगर कोई किसी के मन में आया कि मैं 2 मिनट बाहर घूम के आऊँ तो वो कहाँ जाएगा। नहीं, पत्रकारिता में मैं चूँकि जब पत्रकारिता करते हैं तो सब अपने अपने बीट पे काम करते हैं और सब सुबह से लेकर शाम तक, फिर ये कोविड का दौर है इसमें भी आपकी जो वर्किंग है वो काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी नए नए चीज़ें आ गई आपकी वर्किंग में, और उस बीच जब एक पत्रकार निकलता है और एक ख्वाब बनता है कि मेरी कलम से कहीं एक शहर को कुछ नया मिल जाए, तो मुझे लगता है कि अगर ये जो आपने किया, ये जो आपका अभियान था, आपने जो मिशन बनाया, तो शायद ये मुझे तो लगता है कि उन तमाम पत्रकारिता के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप वाकई अपनी पत्रकारिता के साथ समाज के लिए कुछ करना चाहें
और धार अगर आप एक इरादा कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं ये बात है कि जब ये हुआ था तो एक बीकानेर की संस्था है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो इस तालाबों पे जो काम करते हैं उनको सम्मानित करती है, स्टेट लेवल का पुरस्कार है वो, तो मेरे को उसी साल वो पुरस्कार मिला था। तो प्रेरणा वाली जो बात है, मेरे बाद में मेरे जो साथी थे उन्होंने वो बख्त सागर का बीड़ा उन्होंने उठाया, तो नेक्स्ट ईयर उनको वो अवार्ड मिला। फिर हमारे डीडवाना में एक संवाददाता थे, उन्होंने डीडवाना का एक ऐसा ही तालाब था उसकी सफाई करवाई, उसका कायाकल्प कराया, तो उसी संस्था ने वापस उनको सिलेक्ट किया। हालांकि उसमें राज्य भर से खूब सारे आवेदन आते हैं, लेकिन वो वहाँ जब जाते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम सब मौके पर जाके देखते हैं कि वास्तव में काम कैसा हो रहा है। आपको मैं बताऊँ, ऐसी की ऐसी स्थिति, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मुंडवा है, मुंडवा में भी एक लाखों लाभ के नाम से तालाब है। हालांकि वो तालाब काफ़ी ऐतिहासिक है, लेकिन पत्रिका ने जब उसको एक तरह से काम शुरू कराया, 4-5 साल तक कंटिन्यू उसमें श्रमदान कराए, तो वहाँ पे भी लाखों रुपये के काम हुए, चारों तरफ घाट बन गए, लाइटें हो गई और पार्क बन गए, जिम लग गई, आज वहाँ सारी लाइटें, वो अच्छा तालाब बन गया। तो ये प्रेरणा तो मिलती है, और प्रेरणा का सबसे बड़ा ये कि आप काम करते हो और आपको जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं तो फिर लोगों वाली एनर्जी आपको सपोर्ट करती है कि भाई जब शहर जुड़ रहा है। मेन चीज़ दिक्कत वहाँ आती है कि आप करो और कोई सपोर्ट नहीं करे। नागौर के लोगों ने खूब सपोर्ट किया, और मैं तो कहूँ कि चलो हम तो काम शुरू किया होगा तब आपके साथी लोग आपको कहते तो होंगे यार कि क्या एक बदहाल तालाब के पीछे पड़ गया है, रोज इसकी खबरें चला रहा है, क्या इसका होना है? ये स्थिति इसलिए यहाँ कभी कभार तो आती थी, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जो उस समय हमारे संपादकीय प्रभारी थे राजेश जी दीक्षित का मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे वो पाली भी साथ थे मेरे, तो उनके देखा हुआ था, तो उनका यार वहाँ कर सकता था तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा ये पकड़ो और इसका पीछा करो लगातार। तो कहते भी हैं कि हाँ, खबर वही जिस पे पीछा हो, हाँ, और आपने पीछा किया, पीछा किया, कामयाब पीछा है। चलिए हम अपनी ओर से आपकी पूरी इंस्टीट्यूशन को, राजस्थान पत्रिका को, आपके जो भी आपके आदर्श आपके साथ ही रहे हैं, आपके जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, और आज जब नागौर हम आए हैं और हमारे कैमरे में एक खूबसूरत तालाब और एक खूबसूरत नज़ारा आपने दिया है, हमारी ओर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप और आपकी पूरी टीम सिर्फ नागौर ही नहीं, राजस्थान में पानी की कीमत क्या है वो राजस्थानी लोग ज़्यादा जानते हैं, तो अगर इस तरह से अगर सब जगह पर हों और आपका ये जो अमृतम जलम प्रोग्राम है वो वाकई राजस्थान की फिजा को, यहाँ के जो कुदरत के जो अनमोल तालाब हैं, बावड़ी हैं, झालरें हैं, इनको कहीं कहीं फिर संरक्षित कर इनको जीवित करने का काम करेंगी और उससे एक दूसरे को सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।